गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्लास. ओके, टेक आउट योर जीके बुक्स. सिक्स चैप्टर वी ऑलरेडी फिनिश्ड. ओके, सो वन पेज लेफ्ट. सो वी विल डू इट टुडे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर बी. गेस द टाइप ऑफ होम टेक हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स. ओके, सो इन दिस chapter, in this page number, there are given some houses. Okay, so we have to identify the names of the houses. Okay, तो हम इसमें पहले first वाले को करेंगे. ये picture देखिए आप लोग, किस type के house का है, इसका नाम क्या है, हमको इसको name करना लिखना है यहाँ पर. Okay, so ये है igloo, इस house का नाम है igloo. Okay, so आप लोग यहाँ पे इग्लू, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में स्पेलिंग वगैरह दी हुई है, तो आप यहाँ से चाहे तो देखकर लिख सकते हैं, और मैंने भी लिखा हुआ है तो आप यहाँ से देखकर इसको लिख सकते हैं. ओके, ये जो है आइस से ये हाउस बनाया जाता है. ओके, तो इसको हम बोलते हैं इग्लू. नाउ नंबर सेकंड. ओके, सो ये वाला जो हाउस इसमें दिख रहा है, ये पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं. इस टाइप के हाउसेस को हम बोलते हैं यर्ट, YURT. ओके, नाउ थ्री. ये जो हाउस है बैम्बू से बनाया हुआ है. ओके, बैम्बू मीन्स बांस, बैम्बू से बनाया हुआ हाउस है, तो इसको हम बोलेंगे बैम्बू हाउस. ओके, नाउ नंबर फोर. ये जो हाउस है ये वाटर के ऊपर बनाया जाता है. ओके, सो ये ज़्यादातर कश्मीर में हमको देखने को मिलता है, वहाँ पे जो झील होती है, जो नदियाँ होती हैं, उनके ऊपर ये इस टाइप के हाउस बनाए जाते हैं. ओके, सो इनको हम बोलते हैं शिकारा. ओके, शिकारा और हाउस बोट दोनों बोल सकते हैं, शिकारा आप अकेला भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ. सो दिस हाउस इज मेड अप ऑफ अ ट्री. ओके, एक ट्री के ऊपर बना हुआ है ये हाउस, तो इसको हम बोलेंगे ट्री हाउस. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. ओके, एंड यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स. ओके, नाउ नंबर सी. मैच द टाइप ऑफ हाउसेज टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट. ओके, सो हियर आर गिवन टू कॉलम्स. इन कॉलम ए हियर आर गिवन हाउसेज नेम्स, एंड इन कॉलम बी गिवन देयर इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ फर्स्ट इज हट, मतलब यहाँ पे जो है कॉलम ए में हमें हाउस के नेम्स दिए हुए हैं, और कॉलम बी में वो किस टाइप के हाउस होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है. तो हमको इनको इनसे कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. सो फर्स्ट इज हट. ओके, सो हट जो है फोर्थ नंबर से हम इसको मैच करेंगे. सो अ हाउस मेड विथ मड एंड डर्ट. ओके, जो हाउस मिट्टी से, घास वगैरह से, इन चीज़ों से बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हट. हट मीन्स झोपड़ी. ओके, उस टाइप के हाउस जो होते हैं ना, झोपड़ी टाइप, उनको जो है मड से, मिट्टी से बनाया जाता है. तो इसलिए जो है फर्स्ट नंबर जो है फोर्थ से मैच किया जा करेंगे. नाउ नंबर टू कास्ट. ओके, सो नाउ नंबर सेकेंड इज वी विल मैच इट थर्ड. ओके, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग हाउस बिल्ट टू प्रोटेक्ट अ रूलर. ओके, सो सेकेंड वाले को हम इस थर्ड वाले से मैच करेंगे. नाउ थर्ड ट्री हाउस. ओके, तो ट्री हाउस को हम मैच करेंगे सेकेंड. अ हाउस बिल्ड ऑन द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ओके, जो हाउस पेड़ के ऊपर उनकी ब्रांचेस और जो है तने से या पत्तियों से बनाया जाता है, उसको हम ट्री हाउस बोलते हैं. फोर्थ नंबर है इग्लू, आपको यह पहले बताया था ना इग्लू. ओके, नाउ इग्लू को हम मैच करेंगे फिफ्थ नंबर से. ओके, सो अ हाउस मेड अप ऑफ आइस. ओके, जो इग्लू जो होता है वो आइस से बनाए जाते हैं. फिफ्थ नंबर हाउस बोट. ओके, तो जो है हाउस बोट जो है हम इसको मैच करेंगे फर्स्ट नंबर से. ओके, अ हाउस टू लीव ऑन अ रिवर और
लेक ओके, जो हाउस नदी और झीलों के ऊपर या उन्हीं बड़े बड़े नदियों के ऊपर बनाया जाता है उसको हम हाउस बोट बोलते हैं ओके। सो दिस चैप्टर वी फिनिश्ड, आप अच्छे से मैचिंग्स करेंगे इनको, आप नंबर भी डाल सकते हैं ओके, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट सेवेंथ चैप्टर, एनिमल्स एंड देयर होम्स ओके। सो इस चैप्टर में हम एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स और उनके होम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैच द कॉलम ए एनिमल्स विद कॉलम बी देयर होम्स ओके। कॉलम ए में जो है एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में उनके हाउसेस के पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड नेम्स दिए, तो हमको उनको मैच करना है। सो फर्स्ट इज, किसका पिक्चर है ये? डॉग ओके। तो डॉग का हाउस जो है वो कैसा होता है हमको उसको मैच करना है ओके। सो डॉग जो है कहाँ रहता है? कैनल ओके, यानी कि डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप यह नंबर वन भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्टली मैच भी कर सकते हैं। नाउ नंबर टू, शीप ओके। तो जो शीप हैं वो कहाँ रहती हैं? शीप का हाउस जो होता है वो है पैन ठीक है ओके। नाउ यहाँ पे आप टू नंबर भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड, हॉर्स। जो हॉर्स हैं वो कहाँ रहते हैं? अस्तबल, नंबर ए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन कहाँ रहता है? डेन ओके, मीन्स गुफा में ओके। नाउ बर्ड, बर्ड कहाँ रहती है? सबको मालूम है, यस, घोंसले में, मीन्स नेस्ट में ओके। ये जो है बर्ड का हाउस है ओके। तो यहाँ पे आप लोग फिफ्थ नंबर डाल लेंगे लाइक दिस। इफ़ यू वांट टू राइट द नंबर्स यू राइट नंबर्स, और इफ़ यू वांट टू मैच लाइक दिस यू विल मैच इट ओके। अंडरस्टैंड ना, क्योंकि सभी एनिमल्स के अपने अपने हाउस होते हैं तो वो इस टाइप के अपने अपने हाउसेस में रहते हैं ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर ए नंबर, सॉरी एट चैप्टर, हंटर एंड प्रे ओके। आइडेंटिफाई देम एज द हंटर एंड द प्रे हु ईट्स होम ओके। तो इस चैप्टर में हमको यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है उनमें ये लिखना है कि कौन किसको खाता है। हंटर मीन्स शिकारी और प्रे मीन्स शिकार ठीक है, क्योंकि एनिमल्स क्या होता है एक दूसरे को खाते हैं तो उसी पर वो जीवित रहते हैं। ग्रीन ग्रास खाने वाले भी अलग एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स ही एनिमल्स को खाने वाले भी होते हैं ओके। सो फर्स्ट नंबर, ये किसका पिक्चर है? माउस, और ये कौन है? कैट ओके। तो जो कैट है वो माउस को खाती है ओके। सो माउस जो है वो प्रे है और जो कैट है वो हंटर है। आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है ठीक है, पी आर ई वाई प्रे और कैट के नीचे आप लिखेंगे हंटर ओके। नाउ नंबर टू, ये जो है क्या है? ईगल, और ये क्या है? रैबिट ओके। तो इन दोनों में से कौन हंटर है और कौन प्रे उसके हमें नीचे लिखना है। तो जो ईगल है वो हंटर है और जो रैबिट है वो प्रे है, क्योंकि ईगल जो है रैबिट को खाता है। नाउ नंबर थ्री, लॉयन एंड दिस इज डियर ओके। सो इन दोनों में कौन हंटर है? ऑब्वियसली सी बात है कि हंटर जो होगा लॉयन होगा, सबसे जंगल का राजा होता है ना, इसीलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल है
ये सभी छोटे एनिमल्स को खा सकता है, खाता है। सो ये जो लॉयन है वो हंटर है एंड दिस डियर जो है वो प्रे है। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, फिश एंड क्रोकोडाइल। तो फिश जो है प्रे है और क्रोकोडाइल जो है हंटर है, क्योंकि क्रोकोडाइल फिश को खाता है। फिफ्थ नंबर, दिस इज टाइगर एंड दिस इज बफेलो। तो जो टाइगर है वो हंटर है, बफेलो जो है प्रे है। सिक्स नंबर, कैट और डॉग। ओके, सो जो कैट है वो प्रे है और जो डॉग है वो हंटर है। ओके, क्योंकि डॉग से बिल्ली जो है वो डरती भी है और डॉग चाहे तो बिल्ली को खा भी सकता है। ओके, सो दिस चैप्टर वी विल फिनिश। नाउ नाइन्थ, मैनर्स एंड हैबिट्स। नेम द गुड हैबिट शोन इन द इमेजेस ब्लो। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो यू सी दिस फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज डूइंग, अ बॉय इज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेक अप अर्ली। ओके, वो जो मॉर्निंग में है वो जल्दी उठ रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वेक अप अर्ली। नाउ नंबर टू, ये क्या कर रहा है, ब्रश। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रशिंग। आप टीथ भी लिख सकते हैं या फिर ब्रशिंग अकेला भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ थ्री, ये बॉय क्या कर रहा है, बाथिंग। ओके, नहा रहा है, बाथिंग। फोर्थ, ये बॉय क्या कर रहा है, वॉकिंग। ओके, नाउ फाइव, ये क्या कर रहा है, डूइंग एक्सरसाइज। क्या कर रहा है, डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि ये बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है। सिक्स्थ, ये बच्चा क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे प्रेइंग। ओके, नाउ सेवन्थ, ये जो है गर्ल क्या कर रही है, ईटिंग फूड। ओके, शी इज ईटिंग फूड, सो हम यहाँ लिखेंगे ईटिंग फूड। एट्थ, ये क्या कर रही है, गर्ल हैंड को वॉश कर रही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वॉशिंग हैंड्स। ओके, ये तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखना है बस। ओके, सो यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स। ये सारी जो है आपकी गुड हैबिट्स हैं और आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो एंड टेंथ चैप्टर वी विल स्किप इट। ओके, बाद में करवाएंगे, अभी नहीं कर रहे हैं इस टेंथ चैप्टर को, और 11 चैप्टर। ओके, सो 11 चैप्टर, सॉल्व द क्रॉसवर्ड बाय नेमिंग द कंट्री ईच फ्लैग बिलोंग अस। यूज द हेल्प बॉक्स टू नेम इट एंड टेक रेफरेंस फ्रॉम नंबर्स। ओके, तो इन दिस चैप्टर यहाँ पे अदर अदर कंट्रीज के फ्लैग्स दिए हुए हैं। ओके, तो हमको इनको क्या करना है, इनको हमको नेम्स लिखना है इनके, और ये क्रॉसवर्ड जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो ओके, सो ये अभी मैं आपको आपको करवाती हूँ, दो मिनट में। सो इन दिस चैप्टर अगर गिवन सम अदर कंट्रीज फ्लैग्स, ओके, सो वी हैव टू नेम देम। सो इन चैप्टर में हमको जो है अदर कंट्री के फ्लैग्स दिए हुए हैं, कितने हैं, 9। ओके, सो इनके हमको नेमिंग करना है, मींस किस कंट्री का फ्लैग है उसको हमको नेम लिखना है उस कंट्री का। ओके, सो फर्स्ट फ्लैग जो है काय का है, ये तो अपने अपने ही देश का है ना, अपनी कंट्री का है, तो इंडिया। ओके, नाउ सेकंड, ब्राज़ील। थर्ड, इंग्लैंड। फोर्थ, इटली। नाउ फिफ्थ, कैनेडा। सिक्स्थ, इजिप्ट। सेवन्थ,
जापान एंड एट्थ ऑस्ट्रेलिया और नाइन्थ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके सो हमने इनको नेमिंग्स कर दिया है सभी फ्लैग्स को. अब जो ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है बीच में, इसको आपको नंबरिंग के द्वारा जो है इनके कंट्रीज़ के नेम्स लिखना है. ओके जैसे फर्स्ट नंबर ये लिखा है, देखो 1, 2, 3 ऐसे इनके सारे नेम नंबरिंग दी हुई है और इनके आगे फर्स्ट फर्स्ट या कुछ बीच के लेटर्स दिए हुए हैं. तो इससे आपको ये सारे जो कंट्रीज़ के नेम है इसमें क्रॉसवर्ड में कंप्लीट करना है. जैसे मैं आपको एक दो समझा देती हूँ. फर्स्ट नंबर कौन सा है? इंडिया. सो आई दिया हुआ है हमको यहाँ पे और ए दिया हुआ है, तो बीच में जो इंडिया की कंप्लीट स्पेलिंग हमको लिखना है यहाँ पे. ओके आई एन टी आई ए एस. ओके नाउ सेकंड नंबर क्या है? ब्राज़ील. ओके सो बी दिया हुआ है, सो बी आर ए सेड आई दिया हुआ है एल. ओके सो ऐसे आपको इसमें से करना है, ये आप लोग सेल्फ में करेंगे. ओके बहुत इजी है. ओके सो यू हैव टू कंप्लीट दिस ओके बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट कम्स 12th चैप्टर अवर फ्लैग. ओके चैप्टर नेम इज अवर फ्लैग, यानी हमारा फ्लैग मीन्स क्या होता है? झंडा. इंडियन फ्लैग हैज़ अ प्लेस ऑफ प्राइड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज इंडियन पीपल. ओके वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग फिल इन द ब्लैंक्स. ओके जो हमारे इंडिया का फ्लैग होता है वो हमारे इंडियन लोगों के दिल में रहता है. ओके कभी भी हम क्योंकि अपने इंडिया के फ्लैग का अपमान नहीं देख सकते. ओके क्योंकि वो हमारे हार्ट से दिल से जुड़ा हुआ होता है. ओके सो यहाँ पे कुछ जो है अपने इस फ्लैग से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो हमको कंप्लीट करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. सो फर्स्ट द इंडियन फ्लैग इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल फैब्रिक कॉल्ड. जो हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो किसी एक स्पेशल फैब्रिक से बना हुआ होता है. फैब्रिक मीन्स कपड़ा से. किस टाइप के कपड़े से बना हुआ होता है हमारा फ्लैग? खादी. ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे खादी, KHADI. ओके नाउ नंबर सेकंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डैश थैंक्स टू द 3 कलर्स दैट अडॉर्न इट. ओके तो हम अपने देश के फ्लैग को जो है एक और नाम से भी बुलाते हैं ना, तिरंगा. ओके क्यों? अब यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे तिरंगा. और क्यों बुलाते? क्योंकि इसमें 3 कलर्स होते हैं हमारे फ्लैग में, इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, इसलिए हम उसको बुलाते हैं तिरंगा, यानी 3 रंगों का. ओके नाउ नंबर 3, द कलर सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर. ओके जो सैफ्रॉन कलर होता है वो किसके लिए होता है प्रतीक? किसका प्रतीक होता है? सैक्रीफाइसेस, यानी त्याग. त्याग का प्रतीक होता है सैफ्रॉन कलर. नाउ नंबर 4, वाइट कलर सिंबलाइज पीस प्योरिटी एंड डैश मीन्स हियर कम्स ऑनेस्टी. ओके जो वाइट कलर है वो किसका प्रतीक होता है? पीस प्योरिटी एंड ऑनेस्टी, शांति शुद्धता और ईमानदारी के लिए जो है वाइट कलर इसका प्रतीक होता है. नाउ नंबर 5, द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस एंड डैश. ओके सो ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा प्रोग्रेस. ओके तो ग्रीन कलर जो है हमारे इंडियन फ्लैग में वो किसका प्रतीक होता है? कॉन्फिडेंस एंड प्रोग्रेस. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास और प्रोग्रेस का मतलब होता है हम अपनी हमारी उन्नति या सक्सेस को बोलते हैं प्रोग्रेस. ओके सो नाउ वी कंप्लीटेड दिस फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो यहाँ पे कुछ अपने इंडिया के बारे में, इंडियन फ्लैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, तो अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. द इंडियन फ्लैग मस्ट नेवर बी पुट ऑन द ग्राउंड एंड मस्ट नेवर बी प्लेस अपसाइड डाउन. जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसको हमें अपने देश की
जो फ्लैग है उसको उसका सम्मान करना चाहिए और उसको कभी भी हमको नीचे नहीं गिरने देना चाहिए ना गिराना चाहिए। ओके, इसको हम हमेशा ऊपर की साइड ही ऐसे लगाते हैं, उल्टा नहीं लगाते। द प्रेसिडेंट अनफर्स द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे एंड द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो जो है रिपब्लिक डे पर फ्लैग को अनफर्स करते मीन्स जो फहराते हैं। ओके, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंस डे के दिन फ्लैग को होस्ट करते हैं। देयर इज अ धर्म चक्र 24 स्पोक व्हील इन नेवी ब्लू कलर इज एट द सेंटर ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। ओके, सो जो हमारे इंडिया में ये बीच में जो ऐसा व्हील बना हुआ है, तो इसमें क्या है, ये इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र। ओके, और इसमें बीच में 24 जी लाइन्स जो होती हैं ना, इन ये होती हैं 24। ओके, आप काउंट करना कभी आप देखो, जब आपके पास हो इंडियन फ्लैग तो 24 जो है ये स्पोक्स इसमें ऐसी होती हैं। ओके, और बीच में जो है ये नेवी ब्लू कलर होता है। ओके, अवर नेशनल एंथम इज जनगण मन विच इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारी नेशनल एंथम कौन सी है, आपने फर्स्ट में भी पढ़ा था, जनगण मन। और इनको लिख इस नेशनल एंथम को लिखा कौन है, राइटर कौन है इसके, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो आप अभी छोटी क्लास में हैं, लेकिन हमको हमारे इंडिया के बारे में, फ्लैग के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो ये चीज़ें जो अभी इसमें एक्सप्लेन की हैं वो हमारी कंट्री से रिलेटेड हैं, तो आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। ओके, अपने माइंड में हमेशा रखना है। ओके, नाउ वी विल फिनिश नाउ ओनली 12 चैप्टर्स। ओके, एंड यू हैव टू कंप्लीट इट एंड राइट द करेक्ट आंसर्स एंड होमवर्क इज यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। ओके, दिस चैप्टर मीन्स दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड हियर कंट्रीज नेम्स एंड दिस मैनर्स एंड गुड हैबिट्स यू हैव टू लर्न। ओके ना, एंड दिस एनिमल्स एंड देयर होम्स यू हैव टू लर्न एंड दिस ऑल्सो। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न विथ स्पेलिंग्स। ओके, ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।